हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद शेफ बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग द रिटेल नोटिस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका जो कंसेप्ट है वो वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। एंड अगर आप भी इस कंसेप्ट को सुनेंगे एंड समझेंगे तो वाकई में आप भी कहेंगे कि दिस इज टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट। तो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वेक्टोराइक एंड ये इसराइल बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो अपनी इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, इतने सारे टेक्नोलॉजी पेटेंट्स वहां से निकल कर आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भी एक पेटेंट है जिसकी टेक्नोलॉजी V2X पेटेंट है और ऑफकोर्स ये US में पेटेंट है, मतलब इसराइल में पेटेंट नहीं है, US में पेटेंट है। एंड चलिए डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके जो कंसेप्ट है, टेक्नोलॉजी ये लोग जो यूज करना चाह रहे हैं एंड इसका क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन है मेरी तरफ से। एंड ऑफकोर्स जो इनका ICO चल रहा है क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम हमेशा आपके सामने इस टाइप के अमेजिंग से जो कंसेप्ट होते हैं वो लेकर आते हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है जहां बहुत नए नए टाइप के कंसेप्ट्स आपके सामने आए हैं, ऑफकोर्स इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए, जैसे मैं ऑलरेडी काफी तारीफ कर चुका हूं इस कंसेप्ट की, तो बात करते हैं डिटेल में क्या एग्जैक्टली है वो कंसेप्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो पायलट जो कार्स हैं या मतलब ड्राइवरलेस कार्स कह सकते हैं इनको, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है और गूगल का ऑलमोस्ट इस पे सक्सीड हो चुका है। एंड उनके लेकिन अभी जो कमर्शियल कार्स हैं वो मतलब मार्केट में नहीं आई हैं, मतलब कमर्शियल यूज के लिए जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो अभी नहीं आई हैं। और बहुत सारी दूसरी भी कंपनीज हैं जिसपे ये मतलब जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है। तो चलिए, ड्राइवरलेस का तो एक पॉइंट अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवरलेस पे हम इसलिए ज्यादा वर्क कर रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसको अवॉइड किया जा सकते हैं, क्योंकि जो मशीन्स हैं, जो सेंसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिलायबल हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन, तो क्योंकि वो लोग मिस्टेक्स नहीं करते ऐसा माना जाता है। तो यहां पर अगर हम बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनीज की बात करें तो उन्होंने काफी पहले से इस चीजों पे, इस टाइप की टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया है, जहां पे वो ये कोशिश करते हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है रोड पर, जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। और बहुत सारे सर्वेज हैं जो आप जाके देख सकते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि जो मोस्टली मतलब 80-85% ऑफ द जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड के ऊपर वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो ड्राइवर है वो नोटिस नहीं कर पाते एक दूसरे को, और लास्ट मिनट पे वो लोग एक दूसरे को नोटिस करते हैं और वहां कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज पे पहले से वर्क कर रहे हैं, लाइक ऑडी एंड BMW वगैरह में इस टाइप की जो कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं जो इनकी महंगी कार्स हैं, जहां पर अगर कॉलिजन होने वाला होता है किसी दो कार के बीच में तो 10 मीटर की दूरी पे जब होते हैं या 15 मीटर की दूरी पे जब होते हैं तो जो उसके सेंसर्स होते हैं जो गाड़ी में लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसको डिटेक्ट करते हैं और ड्राइवर को अलर्ट करते हैं, और ड्राइवर को अलर्ट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि स्पीड को ब्रेक करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो स्पीड जब नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो पाए और एटलीस्ट जो है हमारा जो कोलिजन है वो किसी भी हद तक रुक जाए, अगर नहीं भी रुक रहा तो जो डैमेज है हमारा वो एटलीस्ट कम हो जाए। तो यहां पे वेक्टोराइक भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। तो वेक्टोराइक में लेकिन और जो ट्रेडिशनल अभी तक जो टेक्नोलॉजी आई थी उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें वो लोग हार्डवेयर्स का यूज कर रहे थे, मतलब सेंसर्स लगाए जा रहे थे गाड़ियों के हर तरफ और वहां पे वो सेंसर डिटेक्ट कर रहे थे कि मतलब आगे वो उस कोलिजन से कैसे बचा जा सके। लेकिन वेक्टोराइक कोई फर्दर कोई ऐसा हार्डवेयर का यूज करने का उनका मतलब नहीं है सेंस, वो ऑलरेडी मतलब जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है हमारे पास, जो डिवाइसेस हमारे मोबाइल फोन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको यूज करके ही वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने जनरेट किया है जिसमें वो V2X टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, जिसको हम वेक्टर मतलब ग्राउंड ट्रैफिक के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं, और वेक्टर इमेज टेक्नोलॉजी होती है जो गूगल मैप्स में यूज होती है, उसी सारी चीजों को वो यूज कर मतलब एक ऐसा
सॉफ्टवेयर वो जनरेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी कार में जैसे आपका फोन पड़ा हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ा हुआ है, कोई भी एक्स वाई जेड डिवाइसेस हो सकते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कुछ ना कुछ टाइप की एक फील्ड जनरेट होती है, चाहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह लें, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड फील्ड हो सकती है, ठीक है, माइक्रोवेव फील्ड्स हो सकती हैं और रेडियो वेव फील्ड्स हो सकती है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, आपके फोन के अंदर एनएफसी होता है, ठीक है, और भी टाइप की बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने चारों तरफ एक टाइप की फील्ड क्रिएट करता है, ये उसी इनका जो सॉफ्टवेयर है उसी फील्ड को वो यूज करना चाहता है और आपको मतलब एक 360 विजन देना चाहता है, यानी मतलब इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर वो हर गाड़ी का जो जो कनेक्टेड होंगे इनके सॉफ्टवेयर के साथ उसको वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे क्या होगा कि जब भी आप गाड़ी जैसे से सपोज आप जा रहे हैं और आपके चारों तरफ आपके जो डिवाइसेस का एक फील्ड बना हुआ है, तो वो चारों तरफ से वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास कौन आने वाला है और कब आपका कोलिजन होने वाला है, तो जैसे ही आपका कभी कोलिजन होने वाला है उससे पहले ही आपको उससे एक अलर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे ये इंटरनेट मतलब बैंडविड्थ का यूज नहीं कर रहे, दूसरी चीज यहाँ पे ये कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज नहीं कर रहे, तो तीसरी चीज यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर रहे, तो मतलब जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं ऑलरेडी ये उसी के बेस के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेके आना चाह रहे हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक वर्चुअल चीज लेके आना चाह रहे हैं जो एग्जैक्टली रियल टाइम में आपके लिए वर्क करना चाहती है। और भी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर हम जाकर देखेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली जो कितनी सारी टाइप की टेक्नोलॉजीज को वो यूज करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, वहां पे बात करेंगे कि क्या क्या वो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको ये यूज कर रहे हैं। और वेबसाइट पे जाने से पहले मैं और बता दूं कि ये ऑलरेडी जो टीम है, द टीम बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी पहले भी इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे पेटेंट्स हैं इनके, और ये इजराइल आर्मी के साथ भी पहले वर्क कर चुके हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्होंने बना के दी हैं रिगार्डिंग दिस। तो अब ये लोग इस चीज को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में लेके आना चाहते हैं, जो रडार टेक्नोलॉजी है या कुछ भी टेक्नोलॉजी है, तो हर टेक्नोलॉजी के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज को मिक्स कर उनसे इंस्पायर होकर इस टाइप की टेक्नोलॉजी मतलब एक बनाना चाह रहे हैं। तो बात करेंगे वेबसाइट पे जाकर इनकी, इनके ऑफकोर्स आईसीओ वगैरह की। तो हम आ गए हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली क्या है, लीडिंग द इनोवेशन ऑफ ब्लॉकचेन ऑटोपायलट। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम इस चीज के बारे में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इनका वीडियो है, उस वीडियो पे नजर डाल लेते हैं और उसके बाद शायद काफी कुछ आपको समझ आ जाएगा जो मैं इतनी देर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू समझना काफी आसान होता है। 83% of all road accidents are unavoidable due to participants noticing each other too late. But what if we could see through substance? Vectoraic, the world's first ground traffic, city, and compound management system, makes the world transparent. Delivering all road users 360-degree visibility in all weather, geographic, and road conditions, Vectoraic enables us to predict and avoid dangers. Vectoraic gathers data from mobile phones and other transmitting devices on board all moving vehicles and other objects, creating a limitless, non-line of sight field of vision. It then utilizes a groundbreaking algorithm to perform a detailed analysis of all objects in the vector field, anticipating collisions with any moving object and providing participants with early alerts. Cellular V2X based Vectoraic easily connects to any mobile device or road infrastructure, requiring no unique hardware, bandwidth, or communication protocol, thus enabling responsive traffic management and simple implementation of smart city apps. Designed to facilitate an accident-free environment, Vectoraic constantly introduces new features providing improved predictability for enhanced safety and autonomous driving. Join us in making this vision a reality. तो आई गेस आपको काफी अच्छे से लगा होगा ये वीडियो एंड समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो आपको जानते ही हैं कि यहाँ पे ये एक
काइंड ऑफ अ फर्स्ट ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं और ये V2X टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, तो ये V2X टेक्नोलॉजी का दिस द वेरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो ये लोग करना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये लोग ने पेटेंट किया हुआ है, ऑफकोर्स ये जो पेटेंट है वो US में हुआ हुआ है, और इससे पहले और भी इन्होंने टेक्नोलॉजीज को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मतलब एक फेस्ड एरे रडार का क्या कंसेप्ट होता है, प्री प्रोग्राम ऑटोनोमस जो एबिलिटीज होती हैं जो इसराइल आर्मी यूज करती है, उस चीज का यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है इन वीडियोस में, जो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे एक डेटा फ्लो डायग्राम है, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल होगी तो उसे समझाने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कि कैसे हम इनकी जो सर्विसेज हैं उसको यूज कर सकते हैं। सो वहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं ये लोग जो इनके टोकन्स है VT टोकन्स के थ्रू हम मतलब इनकी जो सर्विसेज हैं वो परचेज कर सकते हैं, वो पेमेंट्स वगैरह जो कर सकते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो टोकनाइजेशन पार्ट है उसके लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन यूज करा जा रहा है, अदर देन दैट बाकी जो भी काफी ज्यादा जो डेटा है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर यूज करा जाता है। तो मेन कंसेप्ट जो यहाँ पे ब्लॉकचेन यूज करने का है दैट इज फॉर द टोकनाइजेशन पार्ट और जो डेटा को स्टोरेज का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे ये सारा जो डेटा है वो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो यहां पर रिमोट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जिसको हमने मतलब V2X टेक्नोलॉजी मैंने बताया ऑलरेडी कि ये यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों ने एक तरीके से रिफॉर्मेटिव है डिजाइंड API शेयरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपके फोन को और या जो ऑटो जो और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं आपके पास आपकी कार में रखे हुए उनको ये यूज कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर यूज नहीं कर रहे, कोई सॉफ्टवेयर यूज मतलब सॉरी कोई बैंडविड्थ वगैरह यूज नहीं कर रहे, कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे। फिर उसके बाद इनके जो सिस्टम है जो एक एल्गोरिदम निकाला जा रहा है, यानी मतलब जो जो भी डेटा वो वहां से कलेक्ट हो रहा है उसका एक एल्गोरिदम बेस्ड एनालिसिस हो रहा है, और वो एनालिसिस जो कर रहा है वो इनके एक सिस्टम्स कर रहे हैं, और इनके जो सिस्टम्स हैं बेसिकली वो थोड़ा एडवांस लेवल के सिस्टम्स हैं, बिकॉज मोस्टली क्या होता है आप भी अगर जानते हैं कि कंप्यूटर्स में जब भी कोई CPU को एक प्रोसेस भेजा जाता है कि प्रोसेसिंग के लिए है, तो तब हमारा क्या होता है कि जो प्रोसेसर है प्रोसेसर के पास जब वो कोई प्रोसेस जाता है तो उससे पहले वो उस एक मेमोरी में स्टोर्ड होना चाहिए, सेव्ड होना चाहिए, यानी मतलब हमें पहले जैसे सपोज हमारे हार्ड डिस्क में कोई चीज है तो पहले उसको शिफ्ट किया जाता है टू रैम ऑटोमेटिकली, ये सिस्टम के थ्रू होता है, और फिर रैम के क्योंकि हार्ड डिस्क इतनी फास्ट नहीं होती है एज कम्पेयर टू रैम, तो रैम काफी फास्टर है तो रैम में उसको रखा जाता है। इनफैक्ट उसके बाद अब कैशे मेमोरी भी आने लगी है तो रैम से भी फास्ट जो होती है वो कैशे मेमोरी होती है, तो बहुत सारे जो एडवांस सिस्टम्स हैं वो कैशे मेमोरी में भी उस प्रोसेस को शिफ्ट कर देते हैं ताकि जो प्रोसेसर है प्रोसेसर की स्पीड को मैच कर सके जो कैशे मेमोरी है, बिकॉज हार्ड डिस्क काफी स्लो थी तो प्रोसेस काफी स्लो होता, तो रैम आई तो रैम से काफी टाइम मतलब काफी हद तक वो सिंक हुआ, उससे भी ज्यादा जो सिंक होता है वो कैश मेमोरी से होता है, तो उससे क्या होता है कि वो स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा हमारी डिवाइसेस के थ्रू जा रहा है वो कहीं ना कहीं एकदम से एनालाइज हो, ठीक है, अब वो जब एनालाइज होगा तो वो बहुत स्पीड से होना चाहिए, और वो जब एनालाइज हो रहा है तो इनके जो सिस्टम्स हैं वो एक इस टाइप के सिस्टम पे वर्क करना चाह रहे हैं जहां पे उसको मेमोरी में हमें सेव करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। अब जब वो सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी डायरेक्टली प्रोसेसर में जा रहा है तो वहां पे हमारा 1000 टाइम्स जो है वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है, तो दिस इज अगेन वेरी ग्रेट अगर ये चीज एग्जैक्टली हो जाती है जैसे यहाँ पे मेंशन है। और फिर यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर डेटा इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने कहा कि गूगल जो मैप्स में अपने यूज करता है तो दिस इज वेरी सेम टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 3D ओमनी डायरेक्शनल मतलब डिटेक्शन वगैरह होती है, तो ये काफी अच्छी तरीके से उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेक्टोराइक रडार टेक्नोलॉजी का भी ऑफकोर्स इसमें यूज कर रहे हैं ये, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी को मिला के ये एक चीज बनाना चाह रहे हैं, और इनफैक्ट आगे जाके इसमें हमें और भी सारी चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पर एक तरीके से इनका जो कंपैरिजन है यहाँ पे इन्होंने गूगल कार्स के जो रडार हैं उससे भी कंपैरिजन किया हुआ है, तो ये मतलब सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं कि इन फ्यूचर ऑफकोर्स अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है लेकिन इन फ्यूचर ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये हार्डवेयर का भी यूज करेंगे जो मुझे लगता है। हाँ बाकी अभी इनके एंड से ऐसा कुछ है नहीं, बाकी और भी चीजें देख सकते हैं इनके जो एक्सचेंज के बारे में या जो भी है जहां पे आप इनको वो मतलब चेंज कर सकते हैं इनके सर्विसेज के वगैरह विद जो इनके टोकन्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। रोड मैप देखें तो एक बहुत ही लंबा सा रोड मैप आपको दिखेगा, तो
2020 तक इनका जो प्रोजेक्ट है समवट ये वेट कर रहे हैं उस तक। और रोड मैप में अगर आप देखें तो यहाँ कहीं आईसीओ का जिक्र नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आईसीओ जो है ये मेन स्ट्रीम आईसीओ की तरह ये इन्होंने अपना आईसीओ को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। leakico.com एक वेबसाइट है, आईसीओ इंजन की तरह वेबसाइट है जिसके ऊपर इन्होंने अपना इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे आईसीओ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। वेक्टोरिक जो है इन प्रोग्रेस है अभी, तो इथेरियम के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। तो अभी इनका जो टारगेट है दैट इज 68 मिलियन 300,000 VT टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब सेल आउट करने का इरादा है इन द मतलब आईसीओ स्टेज। और अभी 4 दिन बचे हैं, मतलब अभी इस आईसीओ में अभी 4 दिन बचे हैं, तो ऑलमोस्ट मैं यही कह सकता हूं कि 1 जून के आसपास इनका जो आईसीओ है ये खत्म हो जाएगा। सो यहां पे बाकी सारी जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं इनके, और भी जहां पे भी आपको मिल सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट करें, एनालाइज करें, फिर इसमें ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करें। एंड यहां पे जो टोकन सिंबल है दैट इज VT ERC20 है, मतलब इथेरियम का नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। टोटल अलॉटमेंट ऑन लीक आईसीओ के ऊपर 10,000 इथेरियम किया हुआ है, बाकी शायद ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो ये निकालेंगे ही जरूर, बिकॉज इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, लेकिन दे आर गोइंग फॉर द पब्लिक सेल एज वेल। तो यहां पर कन्वर्जन रेट आप देख सकते हैं कि 1 ethereum = 6830 VT। टोकन सप्लाई आप देख सकते हैं काफी बड़ी है, 3 बिलियन है, 3 बिलियन एंड 300 मिलियन काफी ज्यादा है जो कि। एंड यहाँ पे लॉकअप पीरियड कुछ नहीं है, सॉफ्ट कैप भी काफी ज्यादा है इनका, 30 मिलियन का सॉफ्ट कैप है, एंड मतलब 30 मिलियन टू 50 मिलियन का इनका सॉफ्ट कैप है। और स्टार्ट टाइम जो था दैट इज 18 मई, एंड एंड टाइम जो है दैट इज 1 जून, तो मैंने जो सोचा था वही है। तो ये मेलबोर्न टाइम के हिसाब से इनका ये जो टाइम है वो बता रहा हूं, तो आप यही मान के चलिए कि अभी 3 दिन आपके पास है, 2 से 3 दिन अगर वाकई में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर इसको पूरी तरीके से एनालाइज करें और फिर फाइंड आउट करें कि क्या एग्जैक्टली आपको लगता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए एक नजर थोड़ी सी टीम के ऊपर भी डाल देते हैं। तो टीम में एज सच देखिए ब्लॉकचेन की फील्ड से जरूर ये लोग नहीं है इतने ज्यादा, ऑफ कोर्स जो डेवलपर वगैरह होगा वो यहाँ पे मतलब जो चीफ डेवलपर है तो वो ही यहाँ पे ब्लॉकचेन फील्ड से होंगे, लेकिन अगर हम बाकी चीज इनकी बात करें तो यहाँ पे ये लोगों के पास काफी सारे पेटेंट्स हैं, और अब सबका देख सकते हैं, सबके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या ऑलरेडी पहले से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अभी मैंने कहा है कि इनका जो इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू आपका ये जो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड है इस टाइम तो दे आर गोइंग फॉर आईसीओ एज वेल। तो आप जैसे मैंने कहा कि पूरी तरीके से इसे फाइंड आउट करें, और चलिए आप बात करते हैं इनके प्रेडिक्शन की जो मुझे लगता है। तो आई गेस आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सारा कुछ, एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो भी था इसमें, और उससे काफी कुछ आपको पता लगा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली ये लोग करना चाह रहे हैं। एंड बात करूं इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की, तो मुझे इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, और मुझे लगता है कि इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनका बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर होता है। और मैं यही कह सकता हूं कि अगर आईसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आईसीओस ऑफ 2018। और मुझे इसलिए क्यों लगता है क्योंकि इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो बहुत ऊपर जाती हैं। इन फ्यूचर इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हमें डिमांड बढ़ती ही रहनी है, और कहीं ना कहीं हम उसे बहुत ज्यादा लेवल पे यूज करेंगे। आज अगर आप ना माने इस चीज को, लेकिन आज से 5 साल बाद 6 साल बाद 10 साल बाद इस टाइप की टेक्नोलॉजीज हमारे सामने होंगी, और इस टाइप का कोई भी अगर कुछ यूज कर रहा है, अगर किसी सॉफ्टवेयर को कोई यूज करना चाह रहा है तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी पेटेंट है, तो इस चीज की डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक जो मेरा डाउट है दैट इज कि क्या इसका इंप्लीमेंटेशन इजी होगा या मुश्किल होगा। बिकॉज इजी तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत आसान होगा इसका इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे तो इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बहुत इजीली ये चीज हो सकती है, लेकिन कहीं दूसरी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे यहां पे थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी बात करूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं यहां पे एक रिस्क लेना चाहूंगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो ऑफकोर्स आप इस कॉइन को खुद एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम माय साइड। आप
खुद इस चीज को एनालाइज करें, अगर आपको फेथ है इस टाइप की टेक्नोलॉजीज में, इस टाइप के कंसेप्ट में, तो ऑफकोर्स आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि जो लोग वेट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो वेट कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं कि भाई कब मतलब वेट कर सकते हैं कि वो कब प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हो पाएगा, कब उनका जो ऑफिशियली कॉइन है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आ पाएगा। तो यहाँ पे जो टोकन है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि कहीं ना कहीं इसमें डिमांड में आएगा कि कुछ ना कुछ सर्विसेज इस टाइप की हमें खरीदनी पड़ेंगी और उन टोकन से खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज की डिमांड बढ़ेगी। तो आई गेस एक अच्छा ओवरव्यू जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे वो आप तक पहुंच गया है, एंड उम्मीद करता हूं बहुत इजी लैंग्वेज में हमने कोशिश करी है कि आपको ये समझा पाए टेक्नोलॉजी, काफी मुश्किल टर्म्स थे, भारी भरकम टर्म्स थे इसमें, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जो है समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।